आगे बढ़ेंगे भोपाल से खबर है, जहां पर कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला का बड़ा बयान सामने आया है। पीसीसी के बाहर लगे पोस्टर को लेकर बोले हैं अवनीश बुंदेला, अब हमारी चुनावी बिगुल बज चुकी है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत रही है बहुमत के साथ। अब हम चुनावी साल में एंटर कर रहे हैं। एक के बाद एक बयान कांग्रेस नेताओं का सामने आ रहा है। पूरी तरीके से कमर कस चुकी है कांग्रेस। इसी बीच कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला का ये बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अब पीसीसी के बाहर लगे पोस्टर को लेकर उन्होंने कहा कि अब हमारी चुनावी बिगुल बज चुकी है। चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत रही है बहुमत के साथ। चुनावी साल में एंटर कर रहे हैं और जीत का दावा पहले ही किया है अवनीश बुंदेला ने। नया साल नई सरकार। नए साल के साथ कांग्रेस नया संकल्प लेकर आई है और पीसीसी के बाहर लगे पोस्टर्स जो हैं एक नए रूप में नजर आ रहे हैं। और यहां पर कमलनाथ जी के साथ जो हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के प्रवक्ता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पोस्टर्स लगाए हैं और कमलनाथ के नीचे अगर आप उनके डेजिग्नेशन को देखेंगे तो भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार बदलने के इरादे से जो है जो संकल्प लेने वाली थी उसको लेकर निकली और अवनीश बुंदेला जी ने यहाँ पर ही पोस्टर्स लगवाए। अवनीश जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कॉन्फिडेंस में है कांग्रेस पार्टी, भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी सीधे पोस्टर्स में लिख दिया गया है? देखिए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात मैं बड़े विनम्रता से कहूंगा, ये सिर्फ पोस्टर नहीं है, ये 2023 के युद्ध का आगाज है। जो कांग्रेस पार्टी ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि 2023 चुनावी वर्ष है और हम कुछ घंटों में चुनावी वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। और ये भी ज्ञात है कि इन 18 सालों में जिस तरह से शिवराज सरकार ने इस प्रदेश को अंधेरे में, महंगाई में, बेरोजगारी में, खराब सड़कों में, टूटते हुए बांध में, महिलाओं के बलात्कार, इन सब में धकेला है, उन सब से प्रदेश की जनता बहुत त्रस्त है। और आप देखें, इसी से निजात दिलाने के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार 2023 में आ रही है। हम सब उनके कार्यकर्ता हैं, सैनिक हैं, छोटे छोटे वो हमारे सेनापति, तो हमारा फर्ज है कि युद्ध के पहले थोड़ी वार्म अप कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ताकि 2023 की युद्ध को हम बड़े अच्छे से, बड़े पारंगत उससे लड़ें, क्योंकि हर कार्यकर्ता उत्साहित है, हर कार्यकर्ता कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करता है। और अब 23 की तैयारी जो यहाँ शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद जो है अब वॉर की तरह 2023 का जो ये हम कह सकते हैं बिगुल है वो बज जाएगा और यहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। कैमरन विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल। और चलिए